को समझने की कोशिश करें अच्छी मजबूती के बीच। गैप अप ओपनिंग तो हुई, उसके बाद हमने देखा इनफैक्ट 17700 के लेवल्स के पार ओपनिंग देखने को मिली और इस वक्त आप देखेंगे 17800 के स्तर। उम्मीद यही थी कि 17800 के पार क्लोजिंग अगर निफ्टी दे जाएगा तो वहां से फिर सप्लाई जो है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी और इस वक्त उन्हीं स्तरों के आसपास जाते हुए हम 760 डिक्लाइंस के सामने 760 एडवांसेस के सामने 1312 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी दिग्गज कंपनियों की तरफ से आज बाजार में काफी हद तक सपोर्ट मिला। HDFC ट्विंस ने मार्केट्स को काफी अच्छे से संभाला। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड की तरफ से अच्छा एक्शन। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में हमने देखा अच्छी खासी मजबूती और बैंकिंग प्लेज में आप देखेंगे SBI के स्टॉक में भी बढ़िया मोमेंटम के साथ कामकाज। नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला जिसके चलते मार्केट्स में ये स्टॉक चल गया। आयशर मोटर्स आप देखिए करीब 3% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, वो लगातार खबरों का सिलसिला ये पूरे हफ्ते जारी रहा और इस वक्त अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने एक रिकवरी का मोड भी देखा। अडानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें फ्रॉम द लो लेवल्स हमने देखा करीब 60% तक की रिकवरी दिखी और इसी तरह की तस्वीर हमने अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, ACC जैसे स्टॉक्स में भी देखी। इसके अलावा स्टॉक मूवमेंट अगर देखेंगे इंडसइंड बैंक के स्टॉक में लगातार दूसरे दिन आज तेजी नजर आई क्योंकि RBI ने हिंदुजा ग्रुप को इंडसइंड बैंक में हिस्सा बढ़ाकर 26% करने की मंजूरी दे दी और ये टीना उत्तर प्रदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी और इस खबर की पुष्टि होने के बाद स्टॉक में हम लगातार पॉजिटिव मूव देख रहे हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट टाइटन पर अच्छे आए और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती, 5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुआ। वहीं अगर आप देखें यहां पर कर्नाटका बैंक के स्टॉक में भी अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। अच्छे नतीजों के दम पर हमने देखा इस स्टॉक में भी मूवमेंट काफी बढ़िया नजर आई। जिस तरह से रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती दिखी, मिडवे या कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिजल्ट पहुंचते पहुंचते कई सारी कंपनियों के नतीजे आए, हैवीवेट्स के नंबर्स आते रहे, ओवर द वीकेंड भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं तो इन सारे के सारे नंबर्स पर भी नजर रहेगी। ITC, डिविज लैब और SBI के नंबर्स से ठीक पहले हमने देखा इनफैक्ट डिविज लैब के नतीजे भी आते हुए दिखे और उसके बाद स्टॉक में एक भारी गिरावट भी नतीजों के दम पर ही देखने को मिली। लेकिन ITC और SBI के नंबर्स का इंतजार जरूर रहेगा। SBI की तरफ से इंटरेस्ट इनकम ब्याज से आए जो है उसमें बढ़त का अनुमान लगाकर चल रहा है, ITC के सेंटिमेंट भी पॉजिटिव दिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कई सारे नतीजे हैं, टायर स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्पेस हैं जो कि आज रेडार पर रहे, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक, TVS मोटर, टाटा मोटर्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला, JK टायर और साथ ही अगर आप देखेंगे टायर, ऑटो, ऑटो एंसिलरी जैसे स्पेसेस थे जो कि बाजार को दिन भर अच्छा एक्शन प्रदान कर रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे लगातार IT सेक्टर में अच्छा एक्शन देखने को मिला है और आज किन सेक्टर्स ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से अच्छा एक्शन तो नजर आया ही, लेकिन FMCG प्लेस देखें, फार्मा देखें और साथ ही IT सेक्टर को भी देख लेंगे तो TCS के स्टॉक में हमने अच्छी मजबूती देखी, मिड कैप IT स्पेस भी रहे जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। बाजार के हीट मैप को एक बार देखते हैं और बाजार के सेंटिमेंट्स को हीट मैप के जरिए भी समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चुनिंदा हैवी वेट कंपनियां जो थी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उसी के दम पर हमने देखा बाजार में जो है लगातार बढ़िया तेजी। अडानी पोर्ट्स, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा और टाइटन, आयशर मोटर, M&M, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार की इस तेजी में काफी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर 17800 के पार हम क्लोज हुए हैं, करीब 250 अंकों की बढ़त है और ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि मंडे सप्लाई इस तेजी के चलते बढ़ने के पूरे आसार नजर आएंगे। 60841 के लेवल्स को करीब 1000 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में और 850 अंकों के करीब की बढ़त बैंक निफ्टी में 41499 के स्तर पर पॉजिटिव क्लोजिंग। पूरा का पूरा हफ्ता काफी इवेंट पैक रहा और इस हफ्ते की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आई। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग